सो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले बेब्लेड बर्स्ट के बारे में और पोकेमोन के बारे में और साथ ही साथ ड्रैगन बॉल के बारे में। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, मैं आपको ये वीडियो में ये भी बताऊँगा कि बेब्लेड बर्स्ट कब आएगा, कहाँ आएगा और कैसे आएगा, और पोकेमोन के कुछ सीजन्स के बारे में और साथ ही साथ ड्रैगन बॉल के बारे में, जो लोग मुझे बहुत कमेंट करके पूछ रहे हैं, और बेब्लेड मेडल सीरीज़ के बारे में भी कि बेब्लेड मेडल सीरीज़ कब चालू होगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली बेब्लेड बर्स्ट आ चुका है मार्वल HQ पे, और सच में ये बहुत ही बड़ी बात है यार। तुम लोगों ने सच में कर दिखाया, मैं कहता हूँ तुम लोगों ने कर दिखाया। तुम लोगों ने तीनों सीरीज़ लेके आ गए, बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़, बेब्लेड मेडल सीरीज़ और बेब्लेड बर्स्ट सीरीज़। अब बेब्लेड एवोल्यूशन भी आने वाला है। बेब्लेड एवोल्यूशन तो आ ही गया, समझो आ ही गया है। 16 दिसंबर 2019 को हमें बेब्लेड बर्स्ट दिखाना चालू हो जाएगा मार्वल HQ पे। अब बहुत से लोग मुझे टाइमिंग पूछ रहे होंगे, तो टाइमिंग बहुत ही अच्छी है गाइस। टाइमिंग है 6 PM। जी हाँ, फिर रिपीट करता हूँ, टाइमिंग है 6 PM। आप लोग मुझे कमेंट पे मत बार बार पूछना कि टाइमिंग क्या रहेगी। सो देखा जाए तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है। डिज्नी ने एकदम परफेक्ट टाइम देखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग रहेंगे जो बेब्लेड बर्स्ट को देखना चाहेंगे, तो वो 6 बजे आराम से देख सकते हैं। सो अभी टाइम का तो कोई इशू नहीं है। सो अब हम बात करेंगे बेब्लेड मेटल सीरीज के बारे में, बेब्लेड मेटल फ्यूजन के बारे में। आप लोग मुझे ये बहुत कमेंट कर रहे हो कि मार्वल HQ ने बेब्लेड मेटल फ्यूजन बंद क्यों करा। देखो, मैंने इसका रिप्लाई मेरे पिछली वीडियो में भी दिया था, पर पता नहीं आप लोग वो समझे क्या नहीं समझे। सो मैं वापस कहता हूँ, बेब्लेड मेटल फ्यूजन की जो है ना डबिंग चालू है। जी हाँ, बेब्लेड मेटल फ्यूजन की डबिंग चालू है, क्योंकि डबिंग के लिए वॉइस आर्टिस्ट ढूंढना पड़ते हैं। हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट चाहिए रहते हैं। सो ये डिफ़िकल्ट रहता है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है अलग अलग कैरेक्टर के लिए डबिंग आर्टिस्ट ढूंढना। सो इसमें टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा, और episode 1 से लगे। उन्होंने episode 10 दिखाए थे, वो सिर्फ हमें टेस्ट करने के लिए, मतलब एक तरह से हमें जज करने के लिए बेब्लेड की ऑडियंस कितनी है। और आप लोगों ने उन्हें, मतलब भाई आप लोगों ने फाड़ दिया। सो आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि डिज्नी को भी यकीन नहीं हुआ कि इंडिया में बेब्लेड का इतना बड़ा फैन बेस है। सो वो जल्द ही आपके लिए बेब्लेड मेटल सीरीज़ भी लेके आ जाएगी। सो अब हम बात करते हैं बेब्लेड बर्स्ट के जो है, कैसे हमें इसको सपोर्ट करना है। सो गाइस देखो, अब सिंपल सी बात है, अब सब लोग तो इतनी मेहनत की है इसके लिए, बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन को लेके आने के लिए। सो आप लोग अभी रेडी रहना, अब अपना 6 बजे TV ऑन करके बैठ के देखना, फुल एंजॉय करना। आपको करना ये होगा कि मालूम है, आपको एक फ़ोटो क्लिक करनी होगी और उसे अपने इंस्टाग्राम पे या किसी भी जगह टैग कर देना है डिज्नी और मुझे और XT यूनिवर्स को, जिससे हमें ये तो मालूम पड़े कि कितने जन अब बेब्लेड बर्स्ट को देख रहे हैं। सो आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमें बेब्लेड बर्स्ट दिखाएंगे, सो season 1 से दिखाएंगे या बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन से दिखाएंगे। सो मेरा कहना और मानना ये है कि ये लोगों को बेब्लेड बर्स्ट शुरुआती सीजन से ही दिखाना चाहिए, मतलब season 1 से, जिससे जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख पाए। और कभी बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन दिखाते हैं तो वो ऑफकोर्स episode 1 से ही दिखाएंगे, पर मैं चाहता हूँ पर्सनली कि वो लोग बेब्लेड बर्स्ट का season 1 दिखाए, फिर आराम से दूसरे सीजन को भी कंटिन्यू करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख पाएंगे। सो अब बात करते हैं पोकेमोन के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पोकेमोन के आगे के सीज़न भी निकलने वाले हैं। सो अभी पोकेमोन का season 12 निकला है, तो अभी डिज्नी से बात हुई तो डिज्नी वाले कह रहे हैं कि पोकेमोन के वो आगे के सीजन भी लेके आएंगे, पर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग जाओ सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि यही अगले मंथ में ब्लैक एंड वाइट भी आ सकता है। सो आपका सपोर्ट मिलेगा तो डिज्नी वाले भी पोकेमोन को कंटिन्यू करेंगे।
और अब हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो, एक जंप फेस्टा होने वाला है दिसंबर, मतलब ये मंथ में ही जंप फेस्टा होने वाला है। 21 और 22 को एक बहुत ही बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। सो इसमें हमें ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है। तो वहाँ ही एक स्लॉट है जहाँ हमें एनिमे के बारे में स्पेशली बताया गया है। सो वहाँ पे अभी कुछ ऐसे चांसेस है कि वो एनिमे में हमें एपिसोड्स, कोई सीरीज चालू होने वाली है वो भी बता सकते हैं, उसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और या कोई मूवी पे काम कर रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। सो ये डिपेंड है, पर मोस्टली ज़्यादातर लोग अभी कह रहे हैं कि वो मूवी लेके आएंगे। सो अब पक्का नहीं हुआ है, पर ये एक तरह से सिर्फ बातें चल रही है कि ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी आने वाली है। सो गाइज, बस दुआ करो कि DBS की कोई सीरीज़ की अनाउंसमेंट हो जाए जंप फेस्टा में। सो गाइज, बहुत से लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें DBZ और DBS भी TV पे देखना है। तो आपको सच में DBS ड्रैगन बॉल सुपर को TV में देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में येस और नो का जवाब दे दो, तो जिससे मुझे मालूम पड़े कि कितने लोगों को देखना है या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाजू में एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।